ये है एक नया 5G फोन विद अ न्यू Dimensity प्रोसेसर जो आता है 20,000 के अंदर। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग में। ये है Realme 11 5G एंड इसका प्राइस जो है वो लगभग होने वाला अंडर 20,000 एंड ये आता है एक नए Dimensity प्रोसेसर के साथ। आज मैं इस वीडियो में इसमें गेमिंग टेस्ट करूंगा, देखूंगा फोन कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग में एंड आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना रिजल्ट्स के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जागरण पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। एंड अगर आप जीतना 1,00,000 कैश प्राइस डेली वो भी सिर्फ गेम्स खेल कर, तो आप फटाफट जागरण प्ले की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप डेली गेम्स खेले एंड उससे आप जीत सकते 1,00,000 कैश प्राइस डेली। तो देर किस बात का करते वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम आयान, आप देख रहे जागरण प्ले। तो गेमिंग का स्टार्ट करने से पहले जरा फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आपको सामने 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज। साथ ही आपको इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज का, तो आपको जो गेमिंग में एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो आपको Dimensity 6100 प्लस 5G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक नया चिपसेट है MediaTek की तरफ से। रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं, आपको 8GB रैम एंड अप टू 256GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। हम लोग इसमें आज गेमिंग टेस्ट करेंगे, मैं इसमें Asphalt 9 एंड BGMI खेलूंगा, देखूंगा फोन कैसा परफॉर्म करता है एंड आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो करते गेमिंग टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट। तो बात करें Realme 11 5G की गेमिंग की, तो जो नया प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से Dimensity 6100 5G वो काफी सही है, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। Asphalt 9 हाई क्वालिटी में काफी सही चली, मुझे ऐसा कोई लैग या हीटिंग देखने को नहीं मिला। प्लस आपको एक FPS मीटर भी देखने को मिल जाता है जो हमारे को दिखाते हैं कि Asphalt 9 में 30-40 FPS देखने को मिल रहे हैं। बात करें हमारी दूसरी गेम की, तो जो कि हमारी BGMI, तो वहां पे हमारे को HD हाई तक का सपोर्ट मिलता है। बैलेंस एंड स्मूथ में आपको अल्ट्रा तक का ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको 60 FPS वाला स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं गेम में, तो ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिला मेरे को। गेम में मेरे को 29-33 FPS देखने को मिल रहा था HD हाई में एंड 45-50 FPS देखने को मिल रहा था इन बैलेंस एंड स्मूथ अल्ट्रा के ऑप्शन में। मुझे ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा था लैंड करते वक्त भी। एंड TDM की बात करें तो गेम काफी सही चला। जायरोस्कोप में मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ मुझे, बाकी अगर आप एक्सटेंसिव गेमिंग करते तो फोन तब हीट होगा, बाकी वैसे मुझे ऐसा कोई हीट देखने को नहीं मिला। तो Realme 11 5G इज अ डिसेंट फोन फॉर गेमिंग अंडर 20,000, बट आपको सिमिलर काइंड की परफॉर्मेंस चाहिए एंड आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप Snapdragon 4 Gen 2 के फोन ले सकते हैं, उनका प्राइस आपको लगभग 11K से स्टार्ट होता दिख जाएगा। बट अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए एंड आपको फोटोज खींचना काफी शौक है, तो Realme 11 5G इज अ ग्रेट चॉइस। इसमें आपको बहुत बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके जो फोटोज है काफी बढ़िया है। एंड अगर आपको गेमिंग करना है साथ ही आपको फोटोज खींचना है, आप Realme 11 5G ले सकते हैं। बाकी आपको फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर आपको इसका कोई कंपैरिजन देखने किसी फोन के साथ तो वो भी मेरे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जागरण प्ले को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।